एरर, हाँ ये एरर इन मेजरमेंट जो है ये तुमको सिर्फ ट्वेल्थ में नहीं, तुम आगे अगर साइंस लेके पढ़ती हो, बीएससी एमएससी रिसर्च सब जगह ये काम आएगा, क्योंकि ये किसी भी एक्सपेरिमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हम लोगों ने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा कि मेजरमेंट कितने किस तरह से होता है, मेजरमेंट में अनिश्चितता होती है हमारे रिजल्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं अनसर्टेनिटी या एरर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एरर है ये कई प्रकार से आ सकता है, कई प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम मेजरमेंट ले रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं है, दूसरी जगह है। आजकल लोग फोन देखते देखते सब काम करते हैं, फोन देखते देखते कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो निश्चित है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगा, और इसमें पूरी तरह से गलती उसकी है जो काम कर रहा है। एक कारण ये हो सकता है कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ है, हम जिस फीते से लंबाई माप रहे हैं वो फीता ही गड़बड़ है। बाजार से कई बार होता है हम लोग थर्मोमीटर खरीद के लाए, थर्मोमीटर जो है वो 2 डिग्री ज्यादा दिखा रहा है, हमेशा 2 डिग्री ज्यादा दिखा रहा है, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। कुछ होता है जो हमारे हाथ में नहीं है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक बंद कमरे में, बहुत ध्यान से धड़ाक से कोई दरवाजा खोल के आ गया, दरवाजा खोल के आया सब डिस्टर्ब कर दिया, ये हमारे हाथ में नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग अगर कभी वो जो ज्वेलरी की दुकान होती है जहां पे सोने के गहने वहने रहते हैं, मैंने बनाता है, वहां पे देखा होगा एक तराजू रहता है और वो कांच के डब्बे में रहता है, देखा है? कांच के डब्बे में इसलिए रखते हैं क्योंकि ताकि हवा से डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन जो बड़ा वाला गेहूं तोलने का तराजू है उसमें हवा का कोई असर नहीं होता। तो ये सब क्या है हम लोग इसको समझेंगे। तो ये जो हमारे एरर्स हैं या अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में, ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक करके समझते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, और इसी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, हम न्यूमेरिकल देंगे इसको पढ़ा लेने के बाद, करवाएंगे भी। सिस्टमेटिक एरर नाम क्या है, सिस्टमेटिक, जब भी कोई चीज नया पढ़ रही हो, मान लो तुमको एक वर्ड आया नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहला है नियम है कि डिक्शनरी खोल के उसका मतलब देखो तभी समझ में आएगा। सिस्टमेटिक मतलब होता है जो एक व्यवस्था से चले, एक सिस्टम से चले, ठीक है। तो ये कौन सा एरर है भाई कि ये जो है सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। सिस्टमेटिक एरर उस तरह का एरर होता है, द एरर, यहाँ पे एरर का हमेशा जो मतलब है हमको अनसर्टेनिटी से है, जो कि हमारे रिजल्ट में आता है, हमारा रिजल्ट निश्चित नहीं है, इज सच दैट इट मूव्स सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली मतलब क्या है कि सिस्टमेटिकली इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि मान लो तुम बाजार से एक थर्मोमीटर खरीद के लाए, ठीक है। अब उस थर्मोमीटर की समस्या ये है, अब थर्मोमीटर हम लोग खरीद के लाते हैं, अब दुकान पे तो कोई चेक करेगा नहीं। हम थर्मोमीटर को लगाए, हमको लग रहा है हमको बुखार है, हमको दिखा रहा है टेम्परेचर 100, लेकिन क्या ये 100 सही है? इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम थर्मोमीटर को जो है बर्फ में रखते हैं, बर्फ 0 डिग्री पे होता है, थर्मोमीटर यदि सही है तो वो 0 डिग्री दिखाएगा। मान लो तुम्हारा थर्मोमीटर दिखा रहा है 2 डिग्री, इसका मतलब ये है कि ये थर्मोमीटर हमेशा 2 डिग्री ज्यादा मेजर कर रहा है। दिस मीन्स कि ये जो एरर है ये सिस्टमेटिक एरर है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इससे हम जो भी मेजरमेंट करेंगे हमको वैल्यू जितना एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा मिलेगा, ठीक है, इन वन डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी तरह से ये भी हो सकता है कि ये ये थर्मोमीटर जब हम बर्फ में रखे ये कुछ दिखा ही नहीं रहा है, क्योंकि थर्मोमीटर में नेगेटिव टेम्परेचर रहता नहीं है, 0 भी नहीं दिखा रहा, पारा चढ़ ही नहीं रहा है इसका। इसका मतलब ये है कि ये थर्मोमीटर हमेशा एक्चुअल टेम्परेचर से कम मापता है, माने इसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो दिस एरर रिजल्ट्स इन द वैल्यू, इन द वैल्यूज दैट आर ऑलवेज ग्रेटर देन और लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, ग्रेटर देन
और लेस देन एक्चुअल वैल्यू, और ये एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा या कम वैल्यू देता है एक्चुअल वैल्यू बाय ए सर्टेन बाय ए फिक्स्ड अमाउंट। इसका एक और एग्जांपल हम तुमको देते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक स्केल है, ठीक है। अब स्केल है, तुमको बोला गया भाई ये रेक्टेंगल है, आप इसका लेंथ और ब्रेड जो है वो मापिए। अब उस स्केल में दिक्कत ये है कि वो उसमें ऐसा कुछ गड़बड़ी है कि वो हमेशा ज्यादा मेजरमेंट करता है। तो जब हम उसी स्केल से लेंथ को मेजर करेंगे उसमें क्या होगा, उसमें लेंथ एक्चुअल लेंथ से ज्यादा आएगा। चौड़ाई मेजर करेंगे एक्चुअल चौड़ाई से ज्यादा मेजर होगा। तो जब हम एरिया निकालेंगे एल इंटू बी, ये एरिया भी करेक्ट नहीं होगा, इस ये जो है एक्चुअली कुछ ज्यादा मेजर करेगा, ठीक है। इफ वी मेजर द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल बाई ए फॉल्टी स्केल, फॉल्टी मतलब जिसमें गड़बड़ हो, स्केल दैट ऑलवेज मेजर्स मोर वैल्यू, मोर या लेस कुछ भी हो, मोर या लेस वैल्यू देन एक्चुअल वैल्यू, देन एक्चुअल वैल्यू, द रिजल्ट विल बी इनकरेक्ट, गलत एरिया या इसका जो भी हम पेरीमीटर भी निकालेंगे तो इसका जो पेरीमीटर है वो गलत आएगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगा, इनकरेक्ट एरिया और पेरीमीटर। तो ये जो है ये एक तरह का एरर है जिसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। अब इस सिस्टमेटिक एरर में कई तरह के चीजें आते हैं। सबसे पहला जो हमने तुमको बताया, पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये इसी सिस्टमेटिक जो यंत्र है वो यंत्र ही गड़बड़ है, द इंस्ट्रूमेंट हैज सम फॉल्ट, हैज सम फॉल्ट, फॉल्ट माने गलती, ड्यू टू व्हिच इट मेजर्स लेस और मोर वैल्यू than actual value। ये जो है एक systematic error इस कारण से हो सकता है, हमारे instrument में ही problem है। इसको कैसे ठीक किया जाता है इसके बारे में हम लोग इसके आगे वाले section में पढ़ेंगे। तो ये एक कारण है, जैसे एक गलत थर्मोमीटर उठा के ले आए। अब उस थर्मोमीटर को चेक करने का उपाय ये है कि हम उसको बॉइलिंग वाटर या उसमें रख के देखे, बर्फ में रख के, ठीक है। ये एक कारण है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा है कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्शन इन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट कर रहे हैं और उस मेजरमेंट को कर रहे हैं गलत तरीके से। जैसे थर्मोमीटर से बुखार मापने के लिए या तो उसको जो है आर्मपिट बगल में लगाते हैं या तो जीभ के नीचे लगाते हैं। अब हमने क्या किया, हमने दोनों में से कुछ नहीं किया, हमने बस उसका जो थर्मोमीटर का जो पारा होता है वो, ये अगर पारा है ये वाला, इसको हम ऐसे पकड़ लिए और हम बोल दिए कि इसी से टेम्परेचर मेजरमेंट हो जाएगा। भाई ये भी तो बॉडी का हिस्सा है, लेकिन ये गलत तरीका है। इस गलत तरीके से हमारा रिजल्ट भी जो है ये गड़बड़ होगा। एक मिनट रुको, स्क्रीन शेयरिंग की ऊपर। हाँ, तो ये एक कारण है जिसके कारण सिस्टमेटिक एरर हो सकता है, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा बहुत ही कॉमन है जिसको हम लोग पर्सनल एरर बोलते हैं। पर्सनल एरर माने होता है हमारा ध्यान कहीं और है, पर्सनल एरर, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस माने हम ध्यान से एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हमारा ध्यान कहीं और है और हम काम कर रहे हैं, हमको जो है गलत रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक एरर के तीन प्रकार हैं, सिस्टमेटिक एरर के तीन कारण हैं ये तीनों। दूसरा जो एरर आता है हमारे एक्सपेरिमेंट में या हमारे रिजल्ट में, जिसके कारण हमारा रिजल्ट अनिश्चित होता है, वो होता है रैंडम। रैंडम मतलब क्या होता है कि रैंडम का कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता, रैंडमली चल रहे हैं, कोई स्थिर नहीं है किधर जा रहे हैं। ये जो है रैंडम एरर इस प्रकार के होते हैं कि ये इररेगुलरली होते हैं, इनका कोई पैटर्न नहीं होता है और इस पे जो है हमारा कंट्रोल भी नहीं होता है। ठीक है, रैंडम एरर की सिस्टमेटिक एरर हम चाहे तो ठीक कर सकते हैं, रैंडम एरर का कोई उपाय नहीं। ये कुछ ऐसी चीजें हम लोगों के लाइफ में भी होता है जिसमें हाथ नहीं होता है, जिसमें जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, तो रैंडम एरर्स ये वो एरर होते हैं, रैंडम एरर्स आर दोज दैट ऑकर रैंडमली एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ऊपर वाली तीनों चीजों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आप ध्यान से एक्सपेरिमेंट करिए, सही तरीके से करिए जैसा बताया गया है, इंस्ट्रूमेंट को चेक कर लीजिए कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, रैंडम एरर, तो रैंडम एरर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको हम बदल नहीं सकते। इसको क्या कर सकते हैं, तब इसको कर ये सकते हैं, इस रैंडम एरर को हम जितना संभव हो कम कर सकते हैं। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड। अब मान लो तुम किसी एक सर्किट में, एक ये सर्किट है तुम्हारा, यहाँ पे तुमने वोल्ट मीटर लगा के रखा, यहाँ पे जो है कोई एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बैटरी है, तुम यहाँ पे देखना चाह रही हो कि वोल्टेज कितना है। अब यहाँ पे बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हो गया या कोई किसी कारणवश अचानक वोल्टेज तेजी से बढ़ गया, ये रैंडम चीजें, इसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, तो हमको जो है उस समय इसको मिनिमाइज करना होगा, इसको कम से कम रखना होगा, और इसके कई सारे तरीके हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब इसमें अब जो हम लोग सिस्टमेटिक एरर की जो हम बात कर रहे थे, उसी सिस्टमेटिक एरर में एक हम लोगों ने अभी देखा इंस्ट्रूमेंट की बात आती है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितना सही है। फॉर एग्जाम्पल, तुमको हम एक एग्जाम्पल दें, जैसे अभी हमने बात किया कि वो जो गहने के दुकान पे तराजू रहता है कांच के डब्बे में, ठीक है, एक तराजू वो जनरल स्टोर में भी रहता है, आलू खरीदने गए, चीनी खरीदने गए, चावल खरीदने गए, एक तराजू जो है ये हम लोग यूज करते थे रिसर्च के समय में, वो लाखों रुपए का आता है, विदेशी कंपनी का होता है, उसको अलग कमरे में रखते हैं। तो भाई है तो सब तराजू, और एक तुमको हमने एग्जाम्पल दिया था धर्म कांटा का, जिसके ऊपर ट्रक का वजन लिया जाता है तो सभी तराजू, फर्क क्या है? फर्क इसमें यह है कि जैसे तुम्हारे किराने के दुकान पे जो तराजू रखा है जिसपे चीनी तौलते हैं, चावल तौलते हैं, उस पे अगर हम चाहे एक ग्राम का कोई वस्तु रख के उसको तौले, संभव है? हेलो, हाँ, अच्छा, जैसे मान लो वो किराने के दुकान पे तराजू रहता है ना, कभी तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करते हैं, सुनाई दे रहा है? अब उसमें हम चाहे कि उसमें जो है 0.5 मिलीग्राम हम वजन वेट करेंगे, वजन लेंगे, क्या वो दिखाएगा 0.5 मिलीग्राम? वो दिखा सकता है क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक वजन यूज होता है, ठीक है, लेकिन वो जो है, लेकिन वो जो वेट दिखाएगा वो हो सकता है 0.5 मिलीग्राम ना हो, लेकिन जो सोने के दुकान पे जो तराजू रहता है, अब हम चाहेंगे उसके ऊपर आलू तौले, पहले तो तौलेगा ही नहीं, तो टूट जाएगा, छोटा सा होता है, वो जो तराजू है वो इतना वेट कर सकता है, वो इतना वजन ले सकता है। ठीक है, तो ये जो सभी तराजू ही है, चाहे वो ट्रक तौलने वाला धर्म कांटा हो, चाहे वो सुनार के दुकान पे रखा हो, चाहे वो उसमें किराने की दुकान पे रखा हो, इन सब में फर्क क्या है?
फर्क कोई पूछेगा भाई बनावट में फर्क है, फर्क जिस चीज में है, जब तुम साइंस फिजिक्स पढ़ रही हो तो तुम बताओगे कि फर्क जो है ये लीस्ट काउंट में है। लीस्ट मतलब होता है कम से कम, सबसे कम, काउंट मतलब होता है गिनना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट सबसे कम वैल्यू जो गिन सकता है, जो पढ़ सकता है, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, मेड बाय द इंस्ट्रूमेंट। अब तुमको एक एग्जाम्पल से हम समझाएं। जैसे जो घड़ी हम लोग घर में रखते हैं, दीवार पे टंगा हो या रिस्ट वॉच हो, उसमें जो है हम सबसे कम टाइम कितना मेजर कर सकते हैं? 1 सेकंड मेजर कर सकते हैं ना। लेकिन अभी हमको पिछली क्लास में हमने तुमको बताया टाइम का स्केल एक ये भी होता है फेमटो सेकेंड। अब इतना टाइम क्या वो हमारा हाथ घड़ी मेजर कर सकता है? नहीं मेजर कर सकता है। इसके लिए हमको बहुत सफिस्टिकेटेड घड़ी की जरूरत है, जिसको एटॉमिक क्लॉक बोलते हैं, हजारों लाखों रुपए का आता है, वो एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। तो ये जो है हमारे घड़ी का लीस्ट काउंट है, ये 1 सेकंड मेजर कर सकता है, लेकिन 1 सेकंड से नीचे अगर कोई समय है इसको ये मेजर नहीं कर सकता, ये इसका लिमिटेशन है। अगर हम फीता लेते हैं, जो मीटर मापने वाला जो दर्जी का फीता होता है, वो मिनिमम मेजर कर सकता है 0.1 मीटर, मान लो इससे कम भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर हमको 0.0001 मीटर मेजर करना हुआ, हम उस फीते को इस्तेमाल नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है उससे, उसके लिए हमको दूसरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो ये जो है लीस्ट काउंट होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट सबसे कम मेजरमेंट कितना कर सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना सबसे कम मेजर कर सकता है। ठीक है, इसी चीज को एक और टर्म से जाना जाता है, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन एक बार हमने बताया था, फिर भी हम बता दें, रेजोल्यूशन मतलब होता है दो बहुत छोट माने बहुत कम गैप में दो चीजें हैं, इसको अलग अलग देखना। ठीक है, एबिलिटी टू सेपरेट टू वेरी क्लोज वैल्यूज, बहुत कम दो वैल्यूज ऐसे हैं जिनको अलग अलग देखने की जो क्षमता है उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। एक सेकेंड, इसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो लीस्ट काउंट है, दिस लीस्ट काउंट इज द लीस्ट काउंट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे तुम लोग स्केल यूज करते हो, ठीक है, एक प्लास्टिक का स्केल यूज करते हो ना लाइन वाइन खींचने के लिए। अब वो जो है उसको उस स्केल से अगर हम ये दो पॉइंट्स मान लो हैं जिनके बीच की दूरी लगभग 0.0001 सेंटीमीटर है, हम अगर मापने जाए हम नहीं माप सकते, क्योंकि वो जो स्केल है वो इन इतना छोटा गैप को वो पढ़ ही नहीं पाएगा। उस स्केल से ये दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट है। हमारी आंखों का भी रेजोल्यूशन होता है, हमने बताया था पिछली बार। तो लीस्ट काउंट जो है, हाँ सुनाई दे रहा है ना, तो हमारी आंखों का भी लीस्ट काउंट होता है, सॉरी एक रेजोल्यूशन होता है, हाँ लीस्ट काउंट ही कह सकते हैं, कि दो लाइट सोर्स से उसको हम अलग अलग देख पाते हैं कि नहीं, कितना दूरी पे रहेंगे तो देख पाएंगे। तो ये लीस्ट काउंट, ये रेजोल्यूशन होता है। इसी से रिलेटेड है लीस्ट काउंट एरर, इसी रेजोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं, दिस रेजोल्यूशन इज कॉल्ड
लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर, इसको हम लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। अब ये लीस्ट काउंट एरर का मतलब क्या, पहले इसको समझ ले। लीस्ट काउंट एरर जो है यही रेजोल्यूशन है इंस्ट्रूमेंट का। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका, पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे, जिसका रेजोल्यूशन 0.01 सेंटीमीटर है। इंस्ट्रूमेंट ए, हम उस इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं ए, इसका रेजोल्यूशन है या लीस्ट काउंट है 0.01। माने दो पॉइंट्स अगर 0.01 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ये इंस्ट्रूमेंट इस गैप को पढ़ लेगा। उसी प्रकार से एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसका रेजोल्यूशन या लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, इसका मतलब है ये जो बी है, ये बी इंस्ट्रूमेंट 0.001 को भी पढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन पहला वाला 0.001 को नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट एरर जो है ये एक रैंडम एरर है, बट इसका एक डिफिनिट साइज है, माने इसका एक पर्टिकुलर अमाउंट है। अगर तुमसे कोई पूछे लीस्ट काउंट एरर क्या रैंडम एरर है या सिस्टमेटिक है, तो तुम बताओगे लीस्ट काउंट एरर जो है दैट इज ए रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर इज रैंडम बट इट हैज ए फिक्स्ड वैल्यू। ये एकदम रैंडम नहीं होता कि कुछ भी हो जाएगा, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है, समझ में आया यहां तक? Yes. तो ये लीस्ट काउंट एरर है, ठीक है। अगर हम बहुत एक्यूरेटली बात करें, अब ये एक्यूरेटली और प्रिसाइजली सब एरर एनालिसिस का ही पार्ट है, ये लीस्ट काउंट एरर रैंडम एरर तो है ही, ये एक सिस्टमेटिक एरर भी है। कैसे है हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। इज फिक्स्ड वैल्यू, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सिस्टमेटिक, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो लीस्ट काउंट एरर होता है, उस इंस्ट्रूमेंट से हम जो कुछ भी मेजर करेंगे उसमें ये एरर आएगा, वो एरर हटेगा नहीं, वो रहेगा हमेशा और एक पर्टिकुलर तरीके से ही रहेगा। जैसे हमारे पास एक स्केल है और उसमें जो है 1 मिलीमीटर का डिवीजन है, माने दो उसमें, जैसे ये स्केल होता है एक इस प्रकार का स्केल है, इस तरह का मार्किंग किया हुआ होता है, इसमें अगर दो गैप्स के बीच में, दो मार्किंग के बीच में 1 मिलीमीटर का डिवीजन है, तो ये जो 1 मिलीमीटर का डिवीजन है ये इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है। जब हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं उसमें हमको लीस्ट काउंट एरर के बारे में पहले पता होना चाहिए और इसको हमको इंक्लूड करना होता है अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। सो बिफोर मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट, कुछ भी कहो, मेजरमेंट, वी हैव टू कैसे फाइंड करते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हमको उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पढ़ना है। जैसे एग्जांपल तुमको हम देते हैं, हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो हमने पढ़ाया है, प्रैक्टिकल लिया है बीएससी से एमएससी तक, एक लड़का जो है 1 मीटर रेंज से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उस स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, अभी हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वो पहला रीडिंग लेता है 1.5 सेंटीमीटर, दूसरा रीडिंग को जो है वो लिखता है 1.62 सेंटीमीटर, और वो लड़का जो धांधली कर रहा है वो यहीं पे पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है? जिस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है कि वो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट को पढ़ सकता है, तुम लिखे के वो जो है, और वो लिख रहा है क्या, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिख रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिख रहा है, लेकिन उसका जो स्केल है वो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट को पढ़ सकता है, और यहां पर वो पकड़ा जाता है, क्योंकि उसने जो है या तो गलत रीडिंग लिया है या तो उसने धांधली किया है रिजल्ट मिलाने के लिए।
ये लीस्ट काउंट हमको पता होना होता किसी भी एक्सपेरिमेंट में को करने से पहले। अब जो है ये तो तरीके, ये तो हो गया कि भाई एरर कितने प्रकार का होता। अब समस्या ये है कि इससे हम निपटे कैसे, इसको लेके हम क्या करें। इतने प्रकार का एरर होता है, लीस्ट काउंट होता है, सब पता चल गया। अब तुमको मान लो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दिया गया, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ये 12th 11th लेवल BSc तक लेवल में सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है। एक धागा लिया, उससे जो है M मास का एक बॉब लटका दिया, ये धागा का लेंथ मेजर कर लिया, एक घड़ी लिया जिसको हम बोलते हैं स्टॉप वॉच, देखा है मोबाइल में भी अभी होता है, हालांकि मोबाइल से लेना नियम नहीं होता एक्सपेरिमेंट में, एग्जाम में। स्टॉप वॉच से हम गिन रहे हैं कि भाई कितना जो है ऑसिलेशन कर रहा है, और हम उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं T=2π√L/g। अब इसमें हमने मेजर क्या क्या किया, इसमें हम लोग हमको टी निकालना है, हम मेजर कर सकते हैं एल, जी जो है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब ये जो एल का मेजरमेंट है, ये तुम किससे करोगे, फीते से करोगे या स्केल से करोगे। जैसे ही मेजरमेंट किया, ये सारी चीजों का ध्यान तुमको रखना है, ठीक है। कैसे रखना है अभी देखते हैं कि इतना सारा तो सीख लिया, अब क्या हुआ, अब करना क्या है। मेन बात है भाई हमको एक्सपेरिमेंट करना है। तो मान लो तुमने इस एक्सपेरिमेंट में रीडिंग लिए, पहला रीडिंग लिया L=5 cm, दूसरा रीडिंग लिया L=5.5, तीसरा लिया L2, ये L1, ये L3 लिया 6.0, इस तरह से 10-12 रीडिंग लिए तुमने, रीडिंग लिए, तुम्हें ये पता है कि तुम जो मेजरमेंट कर रहे हो उसमें अनिश्चितता है। अब इस अनिश्चितता को हम हटाए कैसे, कैसे इसको हम निकाले कितना अनिश्चित है। तो मान लो तुमको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया और उसमें जो है तुमने कई सारे वैल्यूज निकाले, जैसे ये एल का वैल्यू निकाला, ठीक है, 10 निकाले 12 निकाले। सबसे पहला उपाय जो होता है, जो तुम स्कूल लेवल में पढ़े होगे मैथमेटिक्स में, इफ वी हैव ए सेट ऑफ वैल्यूज A1, A2, इस तरह से AN, मान लो तुमने 10 रीडिंग ली, रीडिंग हमेशा ज्यादा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए बताएंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा क्लास है, तुम्हारे क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चों का हमने एक एग्जाम लिया 100 नंबर का, उसमें जो है किसी बच्चे को 0 भी आ सकता है, किसी को 100 में 100 भी आ सकता है, किसी को 100 में 95 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है। अगर हमसे पूछा जाए भाई क्लास कैसा परफॉर्म किया, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इस क्लास में इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, एवरेज नंबर जो है इतना एवरेज आया 85। एवरेज सुना है ना स्कूल में, एवरेज 85 का मतलब है कि ज्यादा मैंने मैक्सिमम बच्चों ने या तो 85 पाया या इसके आसपास पाया, ठीक है। तो जब भी तुम इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जहां पर तुम्हारे पास 10-12 रीडिंग है, लेने ले लिया तुमने, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एवरेज या मीन वैल्यू निकालते हैं, सबको जोड़ दिया AN तक, उसके बाद जितने नंबर ऑफ रीडिंग है उससे भाग लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये तुमने 3 ही रीडिंग लिए, तो तुम क्या करोगे कि 5+5.5+6 कितना रीडिंग है टोटल, 3, इसका जो है तुम लोग निकालोगे मीन, 5 5 10 16.5 16.5 / 3, जो भी आएगा अप्रोक्सीमेटली 5 कुछ आएगा। इसका मतलब है तुम्हारा जो एवरेज वैल्यू ऑफ लेंथ है वो इतना है। अब इस एवरेज वैल्यू से क्या पता चलता है, एवरेज वैल्यू जो है इसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं। मीन इसलिए बोलते हैं, बता रहे हैं क्यों, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत लोगों को नहीं पता, वो बोलते रहते हैं मीन वैल्यू। मीन इसको क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड मीन। जैसे तुम स्कूल में पढ़ी होगी पेंडुलम, पेंडुलम में ये जो है इसका गोला जो है ऐसे एक बार ऐसे ऑसिलेट करता है ना, yes.
ये जो इसका बीच वाला पोजीशन होता है क्या होता है, मीन पोजीशन बोलते हैं ना, यहां पर जो है मीन पोजीशन, ये इसका एवरेज पोजीशन होता है, माने यहां पर इसके रहने की संभावना सबसे ज्यादा है, उसके बाद हम उसको थोड़ा सा हिलाते डुलाते हैं, ठीक है। तो ये जो मीन पोजीशन है या मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इज ऑल्सो कॉल्ड द मीन वैल्यू बिकॉज इट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। जैसे अभी एक लिख ले फिर हम समझाते हैं। इट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये सबसे एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है। जैसे अभी तुमको हमने एग्जाम वाला दिया कि एवरेज नंबर 85 आया है, माने 100 बच्चे में से जो सबसे ज्यादा बार जो नंबर आया है, सबसे ज्यादा बच्चों को जो नंबर आया है वो या तो 85 है या इससे थोड़ा सा इधर उधर है। अब इसमें एवरेज जब हम कर रहे हैं उसमें ये बच्चा भी शामिल है जिसको 0 मिला है और ये भी शामिल है जिसको 100 मिला है, लेकिन एवरेज 85 है। समझ में आया? इसी को मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग जब मीन लिखते हैं तो लिखते हैं, ये समेशन का साइन होता है। ये जो तीनों चीज तुम कर रहे हो इसको हम लोग समेशन साइन बोलते हैं, समेशन ए आई बाई एन। आई जो है ये एक से शुरू होता है और जितने नंबर ऑफ मेजरमेंट्स तुमने लिए वहां तक जाता है। जैसे यहां पर अगर हम इसको लिखेंगे ये जाएगा आई बराबर एक से लेकर के 3 तक ए आई बाई 3, क्योंकि हमने 3 ही मेजरमेंट लिए, ठीक है। समझ में आया यहां तक? Yes. तो ये जो है पहला तरीका है एवरेज निकालने का, ठीक है। क्योंकि अब ये एवरेज हम क्यों निकालते हैं? एवरेज हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये जो एक बार हमने 5 वैल्यू लाया है, दूसरी बार 5.5 लाया, तीसरी बार 6 लाया है, ये टोटली निश्चित एकदम फिक्स्ड सही रिजल्ट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबको जोड़ करके, सबको जब हम देखो यहां पर सिंपल डिवीजन है जो हम लोग बहुत बच्चे क्लास में डिवीजन पढ़ते हैं, 5 + 5 5.5 + 6, इसमें भी कुछ अनिश्चितता है, इसमें भी है, इसमें भी है, सबको जोड़ के 3 से भाग लगा दिया। भाग लगाने का क्या मतलब है, 10 चॉकलेट लेके 5 बच्चों में बांट दिया, एक को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, मिलेगा ना? Yes. एवरेज लेने का मतलब है कि एक एक मेजरमेंट जो हमने किया उसमें जो अनिश्चितता है उसको हमने बांट दिया उतने मेजरमेंट में जितनी बार हमने उसको मेजरमेंट लिया है। हमने 3 बार लिया, हमने उसको 3 भाग में बांट दिया, तो हमारी अनिश्चितता का जो अमाउंट है वो कम हो गया, ठीक है। व्हेन वी टेक एवरेज वी डिवाइड द अनसर्टेनिटी, या हम इसको एरर ही लिख रहे हैं, तुम इसको अनसर्टेनिटी ही समझना क्योंकि हमने पहले ही बताया एरर माने यहां पे अनसर्टेनिटी होता है। वी डिवाइड द एरर इनटू द नंबर ऑफ टाइम्स वी टेक द मेजरमेंट। इसीलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट तुम करो उस एक्सपेरिमेंट में ज्यादा से ज्यादा मेजरमेंट लेना जरूरी है, माने उसको एक बार में, जैसे फॉर एग्जांपल एकदम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, एक बार में किसी व्यक्ति को हम जान नहीं सकते, एक बार में लगा रहे बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी, दूसरी बार में उसका जो है एक विकट रूप देख लिए कि ये तो महा धुरंधर बदमाश आदमी है। तो उसी तरह से एक बार के मेजरमेंट में हम ये निश्चित नहीं कह सकते कि ये हमारी वैल्यू जो है सही वैल्यू, हमको ज्यादा से ज्यादा बार उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना होता है, मेजरमेंट को रिपीट करना होता है, तब हम एवरेज लेते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? Yes. अब इसमें जो ये तो पहला स्टेप हुआ, ठीक है, ये जो है पहला स्टेप हुआ, एवरेज हमने निकाला। एक शब्द आता है फिजिक्स में जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट,
जैसे कोई भी मोशन जो है वो एब्सोल्यूट मोशन या रेस्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने कमरे में बैठ के अभी पढ़ रही हो, एक जगह स्थिर हो, ऐसा नहीं है कि यू आर स्थिर, यू आर एट रेस्ट फॉर एवरीवन। कोई एक बगल से गाड़ी लेकर के जा रहा है, उसके रेस्पेक्ट में तुम मोशन में हो। उसी तरह से रेस्ट हो या मोशन हो, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता। हम एब्सोल्यूट की ओर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एकदम आइडियल कंडीशन में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हुआ एवरेज। अब एक जो टर्म होता है एब्सोल्यूट एरर, जो तुमको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है ये जो हमने एवरेज निकाला, मान लो ये जो तुम्हारा तीनों का एवरेज करके मान लेते हैं ये 5.4 आया, ठीक है। अब ये एक एक मेजरमेंट इस एवरेज वैल्यू से कितना अलग है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी कंसिडर, या कैलकुलेट भी लिख सकती हो, वी कंसिडर या कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। अब बता रहे मैग्नीट्यूड क्यों, क्या बोलना चाह रहे, मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। कंसिडर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेविएशन, डेविएशन मैंने कितना अलग है, डेविएशन को हम डिफरेंस भी लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, ईच वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, ईच वैल्यू ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पे यदि एग्जाम्पल ले, यही ऊपर वाला एग्जाम्पल कि हमने 5 + 5 + 5.0 + 6 को लिया, 3 से भाग लगाया, ये आया 10 16.5 / 3, ये हो जाएगा 5 पॉइंट, मान लो ये कुछ भी मान लेते हैं 5.4 आया। ये हुआ एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। अब ये वैल्यू इससे कितना अलग है, तो हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। 5.5 - 5.4 ये हो गया 0.1। माने ये वैल्यू जो है इस मीन वैल्यू से, जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू है, उससे 0.1 डिफर कर रहा है। दूसरा 5.0 - 5.4 ये तो नेगेटिव हो जाएगा, -0.4 नेगेटिव होगा ना, लेकिन मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे हम कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब है हम इसका सिर्फ साइन नहीं, इसका साइन हम नहीं लेंगे, हम इसका वैल्यू लेंगे। मैंने ये 0.4 डेविएट कर रहा है मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू से। अगर हम 6 की बात करें, -5.4 ये जो है 0.6 डेविएट कर रहा है, मैंने ये वाला वैल्यू जो है एवरेज से सबसे ज्यादा डेविएट कर रहा है, और ये वाला वैल्यू एवरेज से सबसे कम डेविएट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि देख, ऐसे भी देखो 5.5 और अगर ये 5.4 आता है, ये दोनों आसपास है। दिस मीन्स 5.5 इज मोर क्लोज टू द एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू से, वैल्यू के ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5.5 हैज लेस अनसर्टेनिटी और एरर, लेस अनसर्टेनिटी और एरर, इसमें एरर या अनसर्टेनिटी जो है कम है। लेकिन इन दोनों में, इसमें तो सबसे ज्यादा है, माने ये वाला जो रिजल्ट है इसको लेने में हम, हमसे कोई गड़बड़ हुआ है। समझ में आया यहां तक, ठीक है। सर जो ये 5.5 जो बताया आपने एग्जांपल, ये हाँ, ये एब्सोल्यूट एरर हम बता रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर ये डिफरेंस है। एब्सोल्यूट एरर हम यहाँ पे लिख देते हैं, एब्सोल्यूट एरर, इसको हम जो है ये डेल्टा साइन यूज करते हैं, इसका मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। ये तुम्हारे साथ लगा रहेगा फिजिक्स। जैसे हम पहले मेजरमेंट की बात करें, मान लो यहाँ पे तुम्हारा A1 है 5, A2 है 5.5, A3 है 6, ठीक है। तुमने मीन निकाला, मान लो ये आता है 5.4,
तो जब हम डेल ए वन लिखते हैं, डेल ए वन का मतलब है 5.0 माइनस 5.4, 0.4, क्योंकि हम साइन नहीं ले रहे। ये जो डेल ए वन 0.4 है, दिस वन इज द एब्सोल्यूट एरर। डेल ए वन इज इक्वल टू 0.4 इज एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया? इसी तरह से हम बाकी रीडिंग्स का भी एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। कहीं पे ये पॉजिटिव आएगा, कहीं पे ये नेगेटिव आएगा, लेकिन हम लोग पॉजिटिव को ही लेते हैं। ये दूसरा स्टेप हुआ, ठीक है। अब जितने भी ऐसे एब्सोल्यूट एरर हैं, इन सब का अगर हम एवरेज ले तब क्या होगा? ठीक है, अभी तो एवरेज खाली रीडिंग का लिया था हम लोग। उस समय जो है, इसमें जो है क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट एरर जितना भी हमने निकाला, जितने भी वैल्यूज हमने निकाले, जैसे मान लो ये डेल ए वन है, फिर ये डेल ए टू है जो है ये 0.1 है, डेल ए थ्री जो है ये 0.6 है। अब इन तीनों का अब हम मीन अगर निकाले, डेल ए वन प्लस डेल ए टू प्लस डेल ए थ्री बाई थ्री, ये 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.6 बाई थ्री, ये हो गया 0.5, 1.1 बाई थ्री, 1.1 बाई थ्री, तो ये जो है लगभग 0.33 या ऐसे करके कुछ आएगा। ये क्या हुआ? दिस इज द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स, फॉर ईच वैल्यू। प्रत्येक वैल्यू के लिए हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला, ठीक है। अब निकाल के करोगे क्या? क्या फायदा निकाल के? फायदा यह है कि इससे हम जो है एक क्वांटिटी निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर। परसेंटेज तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, स्कूल में पढ़ा है ना? ये रिलेटिव परसेंटेज का क्या मतलब होता है? रिलेटिव और परसेंटेज एरर। जब हम लोग परसेंटेज कहते हैं, जैसे मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, सर एक से, हाँ बोलो सर, जो ये हाँ बता रहे हैं, कैसे रिलेटिव मतलब क्या? किसी के कंपैरिजन में है कि नहीं? हाँ। किसके कंपैरिजन में? इसके लिए परसेंटेज तुमने स्कूल में पढ़ा है, ठीक है। मान लो दो बच्चे हैं, ये अपने घर पे जाके बोले कि पिताजी हमको, एक ने बोला हमको 50 नंबर आया है, एक ने बोला हमको 90 नंबर आया है, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक झटके में दोनों के पिताजी को लगेगा, माने ये जो 90 वाला है इसके पिताजी को लगेगा, वाह बेटा बहुत अच्छा नंबर लाया, ये बोलेंगे कि खराब है 50 नंबर पाए। सच्चाई ये है कि ये जो ए है, ये बच्चा जो है ये 50 पाया है 60 में और ये 90 पाया है 200 में। किसने अच्छा किया? ए वाले ने अच्छा किया। कैसे तुमने बताया ए वाले ने अच्छा किया? हम लोग परसेंटेज निकाले, हम लोग एक कॉमन नंबर से कंपेयर किए कि 60 में से 50 नंबर पाया माने 100 में कितना पाया? 100 में जो है ये लगभग 80% पाया और ये पाया है 45%। इसी को बोलते हैं रिलेटिव। एक फिक्स्ड नंबर से हम कंपेयर करते हैं, तब जो है खेल बदल गया, ये सच्चाई सामने आ गई। तो जब हम रिलेटिव एरर निकालते हैं, तब हम क्या करते हैं, ये जितने भी जो हमने ऊपर एब्सोल्यूट एरर निकाला, जो एवरेज निकाला, इसको हम लोग डेल ए माने जो एब्सोल्यूट एरर है उसका मीन वैल्यू, जो हम लोगों ने ये वाला वैल्यू निकाला, बाय जो एक्चुअल एवरेज वैल्यू है इनटू 100, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। अर्थात ये हम लोगों ने क्या निकाला था, 0.33, ये सभी का जो है एब्सोल्यूट एरर का एवरेज है, और ए का एवरेज कितना आया था, 5.4 आया था। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव एरर।
समझ में आया? यस। एग्जांपल्स हम बताएंगे, पहले थ्योरी हम बता दें, ठीक है? क्लियर है यहां तक? ये तो हो गया कि भाई साधारण सी बात है, ये फॉर्मूला हो गया, निकाल लिए। अब ये जो एरर है, जैसे हमने तुमको अभी एक एग्जांपल दिया, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन माने होता है जोड़ना, ठीक है? कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अभी हमने तुमको ऊपर एक एग्जांपल दिया था, मान लो ये एक रेक्टेंगल दे दिया तुमको, एक पेपर का टुकड़ा दे दिया, बोले इसका लेंथ निकालो, ब्रेड निकालो और उसके बाद एरिया निकालो इस फॉर्मूले से। ए इंटू एल प्लस ए, एल इंटू बी होता है, पेरीमीटर होता है 2 × L + B। ये दोनों चीजें कैलकुलेट करो। अब तुम एल किससे मेजर करोगे, स्केल से मेजर करोगे या मीटर मापने वाले फीते से मेजर करोगे? उसी से करोगे ना। अब मान लो लेंथ के मेजरमेंट में कुछ एरर आया, मेजरमेंट करेंगे एरर आएगा रहेगा ही, ब्रेथ में मेजरमेंट किए उसमें भी एरर आया, तो ये जो एरिया है जो दोनों का प्रोडक्ट है और जो पेरीमीटर है जो दोनों का सम का 2 times है, 2 तो फिक्स है, समस्या इन दोनों को लेकर के है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है ए एरिया और पेरीमीटर, ये भी इसमें भी एरर होगा। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इफ वी मेजर की लेंथ एल एंड ब्रेड्थ बी ऑफ द रेक्टेंगल and if the error in measurement of length, मान लो l तुम मेजर करने जाते हो, is del l, जो del माने होता है difference, ठीक है? and in breadth, जो चौड़ाई है उसमें हम मेजर करने जा रहे हैं, तो ये डेल बी आ रहा है। अब जब हम एरिया लिखेंगे, एल इंटू बी होता है, लेकिन एल में इतना अनिश्चित है, बी में इतना अनिश्चित है। अब सवाल ये है कि अब हम इस डेल एल और डेल बी को कैसे कंबाइन करें, हाउ, क्योंकि अगर तुम्हारे लेंथ में अनिश्चितता है, ब्रेड्थ में है, तो एरिया में आएगा ही, ठीक है? हाउ टू कंबाइन डेल एल एंड डेल बी, सवाल ये है। कैसे हम कंबाइन करेंगे, क्या नियम है इसका, कैसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे? तो इसका नियम जो है कि जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या भाग लगाने की बात कर रहे हैं, मान लो डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तुम वॉल्यूम मेजर करने गए एल क्यूब, मान लो क्यूब है तुम्हारे पास, एल मेजर किया, एल क्यूब किया, उसमें तो आ जाएगा एरर, ठीक है? तो इसके लिए उपाय क्या है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? तो क्योंकि हम लोग पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं, चलो पहले हम लोग प्रोडक्ट में देख लेते हैं कैसे होता है। एरर इन ए प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट में मान लो जेड एक क्वांटिटी है और इस ये जो है ए और बी का प्रोडक्ट है, ठीक है? ए और बी का प्रोडक्ट है, लेकिन ए और बी में अनसर्टेनिटी है, ए एंड बी हैव अनसर्टेनिटी कि ए जो है एकदम एग्जैक्ट ए नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है? और उसी प्रकार से बी जो है प्लस माइनस का मतलब है, बी मान लो तुम लेंथ मेजर की 5 meters, अब अनिश्चितता जो है इसमें 0.5 meters की है, मैंने वो 0.5 meters 5 + 0.5 भी हो सकता है, 5 - 0.5 भी हो सकता है, तो इन दोनों में जो है एरर है। समझ में आया इतना? हेलो, हैं? अब सवाल ये है कि हम प्रोडक्ट कैसे लिखें, प्रोडक्ट हम क्या करें?
अब जब दोनों में एरर है तो जाहिर सी बात है इनका जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी एरर होगा ही। इसका मतलब जो जेड हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ये जेड जेड नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा कम हो सकता है। सवाल है इस डेल्टा जेड को निकालने की। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल ए इंटू बी प्लस माइनस डेल बी। अब जो है गुणा करेंगे ए को बी से, ए बी ए को दूसरे वाले से, प्लस माइनस ए डेल्टा बी। डेल्टा जो है वो अनिश्चितता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस फिर ये जो है प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर ये जो अनिश्चितता है ये काफी कम है, मान लो ए की वैल्यू है 10 मीटर और डेल्टा ए जो अनिश्चितता है ये 0.1 मीटर है, ठीक है, उसी प्रकार से ये भी 0.1 या उससे भी कम है, तो इन दिस सिचुएशन ये जो प्रोडक्ट है, जैसे 0.5 और 0.5 को तुम मल्टीप्लाई करोगी तो क्या मिलेगा, 0.25 मिलेगा, मिलेगा ना। यस 0.25 0.5 से ज्यादा है कि कम है, कम है। यस इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है डेल ए डेल बी कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको ये क्योंकि कम हो जाएगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी भाई कम ही है, ऐसा नहीं कि 10 मीटर माप रहे हैं तो उसमें 5 मीटर ही अनसर्टेनिटी है, मैंने आप गड़बड़ की है पूरा। तो डेल ए और डेल बी जो है इस प्रोडक्ट को हम नेग्लेक्ट करके इसको हम जीरो लिख सकते हैं, ये हो गया शून्य। अब यहां पे हुआ जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर बचा क्या, ए बी प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस डेल ए इंटू बी, ये हो गया जीरो। अब देखो जेड बराबर क्या है, ए बी है कि नहीं, तो इसको भी हम जेड लिख सकते हैं, तो जेड जेड कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब जो है इस इक्वेशन नंबर वन में डिवाइड डिवाइड इक्वेशन वन, इसको जो है हम भाग लगा देंगे। किससे भाग लगाएंगे, हम ए बी प्रोडक्ट से भाग लगाएंगे, ठीक है। ए बी प्रोडक्ट से जब हम भाग लगाएंगे तब हमारे पास बचेगा क्या, डेल जेड बाई ए बी, एक एक करके लिख, ठीक है, ए डेल बी बाई ए बी, मैंने ये गया और इधर प्लस माइनस डेल ए इंटू बी बाई ए बी। डेल ए है यहां, ए है, बी बी कट गया, ठीक है। अब जो है तो हमारे पास बचा क्या, ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू जेड, हम लोग पहले ही देख चुके जेड का फॉर्मूला ही है। दिस मीन्स डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू क्या बचा यहां पे, डेल बी बाई बी प्लस डेल ए बाई ए। मैंने मान लो तुमको अब बोला गया कि ए की वैल्यू जो है ये 10 प्लस माइनस 0.5 है, बी की वैल्यू जो है ये 10 15 प्लस माइनस 0.5 है, बोला गया डेल जेड कितना होगा बताओ। तो डेल जेड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल जेड निकालने के लिए जो है हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो डेल जेड बाई जेड, जेड क्या है, जेड ए और बी का प्रोडक्ट है, ए और बी को बी का प्रोडक्ट जो है ये 10 इंटू 15। यहां पे हम लोग जो है एरर नहीं लिख रहे, ये हो गया 150। डेल बी कितना है, 0.5 है, बी की वैल्यू कितनी तुमने मेजर की, 15 मेजर की, 15 रख दो। डेल ए कितना है, 0.5 है, ए का वैल्यू कितना तुमने पाया स्केल से, 10 पाया, 10 रख दो। ये जो कुछ भी आएगा ये तुमको डेल जेड देगा, समझ में आया, ठीक है। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसके बाद जो है सम और वर्नियर कैलिपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल सम तुमको ट्यूसडे को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे, कुछ देंगे, ठीक है, करने के लिए करोगे, जो हाँ दिक्कत होगी हमको बताओगे, ठीक है। तो हम लोग जो है फिर ट्यूसडे को तुम्हारा क्लास रहेगा ना, हाँ ट्यूसडे को हम लोग इसी समय मिलेंगे, ठीक है, चलो ठीक है।